जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज हम बात करने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग के बारे में। अगर हम बात करेंगे पेरेंट बैंक की, तो वो आता है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके हमारे पास दो ब्रांचेस आते हैं, एक तो बैंक्स आते हैं, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। अगर हम पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, तो हमारे पास आते हैं ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा आते हैं स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो इसमें आते हैं हमारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, तो बैंक्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें आते हैं हमारे SCBs। SCBs क्या होता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो इंडिया में है वो 165 है। और अगर हम कॉर्पोरेटिव बैंक्स की बात करेंगे, जो बैंक्स का दूसरा पार्ट है, उसमें आते हैं हमारे टोटल 82 बैंक्स। अगर हम कॉर्पोरेटिव बैंक्स को फर्दर इंक्रीज करेंगे, तो इसकी दो ब्रांचेस हैं हमारे पास। एक को बोलते हैं अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, वो है हमारे पास 51, और दूसरे को बोलते हैं रूरल कॉर्पोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक्स से भी। इसके हमारे पास 31 इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे इंडिया में। अगर हम बात करेंगे अब SCBs की, जो हमारे पास 165 है, तो अगर हम इसकी फर्दर ब्रांचिंग देखेंगे, तो इसके हमारे पास 4 ब्रांचेस है फर्दर। एक को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो हमारे पास 26 है। दूसरे को बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, वो हमारे पास है 82। अगर हम फॉरेन बैंक्स की बात करेंगे, तो वो भी SCBs के अंडर आते हैं, वो हमारे पास है 36। और अगर हम लास्ट नंबर की बात करेंगे, तो वो हमारे पास आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो हमारे पास है 21। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की फर्दर ब्रांचिंग की गई है। इसमें आते हैं न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो हमारे पास है 7, और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो हमारे पास है 14। जी हाँ, अगर आपने वीडियो अंत तक देखा और वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।